हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, ठीक है। हम किसके बारे में स्टडी कर चुके थे लास्ट वीडियो में, तो वो थी हमारे पास क्या मैट्रिक्स के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हमने किया था और मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें, प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, और इसके बाद एक है ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। वो भी आपको थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में नॉलेज ज़रूर दूंगी। रीज़न है क्योंकि वो पूरा का पूरा टॉपिक आपके मैट्रिसेस बुक में लगता है, यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक में मैट्रिसेस में आपका क्या है, क्या बोलते हैं उसको, आपको यूज़ करना है ई ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। ई ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कुछ थोड़ा और है, एडजॉइंट वगैरह और है, और उसके बाद हम अपने मैट्रिक्स की बुक पर स्टार्ट आएंगे। यानी कि लगभग आपके 2-3 दिन का और मटेरियल है, ठीक है। 2-3 दिन लग सकते हैं इसमें, आराम से लगेंगे, और फिर उसके बाद हम अपने मैट्रिसेस बुक स्टार्ट करेंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद होंगी, यानी कि स्टार्ट होने की बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। अब देखिए क्या है मैट्रिसेस में हम बढ़ेंगे। पहला ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज परिवर्त, एक आव्यूह का परिवर्त, जिसको क्या बोलते हैं, परिवर्त बोलते हैं, ठीक है। लेट A इक्वल ए आई इज ए एम क्रॉस एन बी ए मैट्रिक्स, ठीक है। एक क्या है, मैट्रिक्स है। देन ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स is defined as follows. क्या है, A का ट्रांसपोज इक्वल A डैश इक्वल, ये हो जाएगा, देखिए I और J जो है ना, I और J क्या होंगे, एलिमेंट है। A11 यानी कि पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, 1-2 यानी पहले रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, आई और जे एक्सचेंज हो जाएंगे, जे और क्या हो जाएगा, जे की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। तो एलिमेंट एक्सचेंज होना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। इसको हम क्या लिख देंगे, ए जे आई। अब ए जे आई ने जब अपना स्थान बदल लिया, तो रो और कॉलम जो हमारा एम और एन था, वो भी आपस में क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, और दैट्स मीन्स वो क्या हो जाएगा, एन एम में चेंज होगा, यानी कि एन क्रॉस एम, ठीक है। नाउ वी हैव क्या हो गया, ए जे आई एन क्रॉस एम, ठीक है। अब नाउ क्या करें हम, यानी कि आप फिर से एक बार डेफिनेशन सुने, तो क्या है, लेट ए आई जे एम क्रॉस एन बी ए मैट्रिक्स, एक ए आई जे एम क्रॉस एन की एक क्या है, मैट्रिक्स है। देन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज, तब उसका ट्रांसपोज हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ए के ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज है तो उसको ए का ट्रांसपोज लिखेंगे, परिवर्त, ठीक है। क्या होता है, परिवर्त होता है, और ए का ट्रांसपोज है, इसी को हम ए डैश लिखते हैं, इक्वल का साइन है, यानी कि ए का ट्रांसपोज इक्वल ए डैश भी लिखा जा सकता है। तो क्या होगा, ये होगा, इज डिफाइंड एज फॉलोज, ए का ट्रांसपोज इक्वल ए डैश इक्वल ए जे आई एन क्रॉस एम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल करने से आपको उस चीज़ को क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करें, आज सभी को समझ में आ गया होगा ना। अब मूव ऑन करते हैं, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल से इसे सॉल्व आउट करेंगे, तो एग्जाम्पल से एक सॉल्व आउट करते हैं, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ ए इक्वल 2301 एंड बी इक्वल 3421, देन प्रूव दैट
क्या है? ए बी डैश इक्वल बी डैश ए डैश, ठीक है। अब बी डैश ए डैश दे रखा है, ए डैश बी डैश क्यों नहीं दे रखा? क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो सकता लागू हो और हो सकता नहीं भी हो, ठीक है। इसीलिए ए डैश ए बी डैश को हमेशा बी डैश ए डैश लिखेंगे। ये आपकी थ्योरम भी आएगी, ठीक है, ये आपकी थ्योरम आएगी बी एस सी फर्स्ट ईयर में मैट्रिसेज में। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ए बी डैश इक्वल क्या होता है? बी डैश ए डैश होता है, ये आपके थ्योरम आती है। अब आप देखिए, सबसे पहले हम इसे प्रूफ करेंगे। ए बी निकाल लूँ मैं, ए बी डैश इक्वल बी डैश ए डैश चाहिए। चलो हम ए बी निकाल लेंगे। हमें क्या चाहिए? पहले बी डैश देखिए, बी डैश क्या होगा? 3 4 और 2 1 का क्या होगा? ट्रांसपोज होगा, यानी रो और कॉलम चेंज हो जाएं, तो रो और कॉलम चेंज हो जाएंगे। आप सभी जानते होंगे 3 की जगह क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है, और 2 की जगह 2 आ गया, ठीक है। यानी रो, फर्स्ट रो, जो फर्स्ट रो है वो क्या बन गई? फर्स्ट कॉलम बन गई। देखिए फर्स्ट रो क्या बन गई? फर्स्ट कॉलम बन गई, 3 4। सेकेंड रो 2 1 क्या बन गया? सेकेंड कॉलम बन गया, ठीक है। ये बी डैश आ गया, ए डैश। अब आप बताइए 2 3 0 1 का ट्रांसपोज क्या होगा? कॉलम क्या होगा? पहली रो क्या होगी? 2 3, वो कॉलम बन जाएगा 2 3। सेकेंड रो 0 1, ये हो गया। और हमें क्या चाहिए? ए बी चाहिए, हमें क्या चाहिए? ए बी चाहिए, तो ए बी और निकाल लें। ए बी क्या होगा? 2 3 0 1 और मल्टीप्लीकेशन में क्या है? 3 4 2 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 3 6 और क्या हो गया? 12 हो गया। ये कितना हो गया? 4 2 8 और कितना? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, 4 2 8 और कितना? 3 8 और 11, ठीक है। ये 0 2 और क्या हो गया हमारे पास? 0 और 1, ठीक है। ये आ गया ए बी डैश ए बी। अब हमें चाहिए क्या? अब हम इसमें पुट करें तो क्या करेंगे? अब देखिए मैं क्या करूँ, इसमें रखूँगी, यानी कि ए बी डैश इक्वल क्या है? ए डैश बी डैश, सॉरी बी डैश ए डैश। ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 12 11 2 1 और इसका क्या होगा? ट्रांसपोज होगा। बी डैश हमारे पास कितना है बताना आप, आपके पास बी डैश कितना है? 3 2 4 1 और ए डैश हमारे पास में क्या है? 2 0 3 1। अब हम इसे सॉल्व आउट करें तो अब आप देखिए, मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। क्या आएगा हमारे पास में? ये आएगा नेक्स्ट स्टेप में 12 1, यानी 12 11 2 1। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो देखना 3 2 6 और 3 2 6 6 6 12, ठीक है। 0 2, 4 2 8 और कितने? 11 और ये कितने हैं? ये 0 और 1। देखिए क्या इक्वल है, दोनों पार्ट हमारे क्या आ गए? इक्वल आ गई, यानी कि फर्स्ट प्रूव हो गया हमारा। अब हम अदर एग्जांपल और देखें इसके। नाउ लेट सी एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। व्हाट दिस क्वेश्चन से? इफ ए इक्वल 3 7 -1 5 4 6 देन प्रूव दैट a डैश डैश इक्वल ए।
ए डैश का डैश इक्वल क्या है, ए है। अब आप इसे प्रूफ करें, ठीक है। प्रूफ करने के लिए हमें ए डैश का डैश चाहिए, यानी कि ए डैश का डैश, यानी सबसे पहले तो ए डैश ही निकाल लें। ए डैश यानी कि ए का ट्रांसपोज, और ए का ट्रांसपोज मीन्स -1, 5, 4 एंड 6, इसका ट्रांसपोज क्या होगा। रो क्या, फर्स्ट रो किस में, कॉलम में चेंज हो जाएगी, 3, 7। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 एंड 5, और थर्ड रो 4 और 6। देखिए कितने की मैट्रिक्स थी, ये थी 3/2 की, ये किसकी आ गई 2/3 की। क्यों, देखिए एलिमेंट तो चेंज हुए हुए, कॉलम और रैंक, वो कॉलम और रो वो भी आपस में क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई, यही समझ में था। अब देखिए आगे, ए डैश यानी कि ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हम एक डैश का डैश निकालेंगे, ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज, ये भी आपके थ्योरम है, ये भी थ्योरम है, ठीक है। इसका थ्योरम का प्रूफ आएगा आपके आगे, हम थ्योरम का प्रूफ है बुक्स के अकॉर्डिंग करेंगे। अब आप देखिए ए का ट्रांसपोज कितना है हमारे पास, 3, -1, 4, 7, 5, 6, और अगेन इसका ट्रांसपोज आप करोगे तो ये क्या बन गया बताना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3, -1, 4, और सेकंड रो सेकंड कॉलम 7, 5 और 6। क्या ये वापस ए आ गया क्या, देखिए कंपेयर कीजिए, 3, -1, 4, 7, 5, 6, ये क्या आ गया वापस ए आ गया। दैट इम्प्लाइज ए डैश का डैश हमेशा क्या होता है, ए होता है। ये स्टेटमेंट भी है और जो आपको याद रखना है, स्टेटमेंट है ये डायरेक्ट, और हम आगे जो थ्योरम्स करेंगे ना बुक्स की तो उसमें ये स्टेटमेंट डायरेक्ट यूज होगा, ठीक है। ए डैश का डैश इक्वल क्या होता है, ए होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, यहाँ पर वैल्यूज लिखी जाएंगी और कैसे थ्योरम सॉल्व होगी वो तो मैं आपको बताऊंगी। अब हम आगे बढ़े, मूव ऑन करें नेक्स्ट। अब हमारे पास क्या है, इसी का और एग्जाम्पल्स भी है, तो एग्जाम्पल जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओ, आपके पास 12th की या जो बुक पढ़ी हो, ठीक है, क्वेश्चन पेपर वाले पढ़े हों, तो उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। किसी भी पेपर को सॉल्व ज़रूर करना चाहिए ताकि आपका बेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ क्या है हमारे पास में, एक एग्जांपल और है, इफ ए इक्वल 1, -4, -2, 2, 3, 5 एंड बी इक्वल कितना 2, 3, 4, 5, 2, 1, देन शो दैट ए प्लस बी डैश इक्वल ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। अगेन क्या है, वो लास्ट जैसे क्वेश्चन किया था वैसे ही सा है, हमने क्या किया था उसमें ए बी डैश किया था, इक्वल बी डैश ए डैश था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, ए प्लस बी डैश इक्वल ए डैश प्लस बी डैश। अब देखिए सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या नीड क्या है, हमारी डिमांड क्या है क्वेश्चन की, ए प्लस बी चाहिए हमें। नाउ ए प्लस बी इक्वल आपको ऐड करना अभी तक आ ही चुका होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्लस 2, 3, 4, 5, 2, 1 ऐड करेंगे आप, तो ए प्लस बी इक्वल क्या है हमारे पास, 1 प्लस 2, 3, -4, -1, -2, +2 यानी 2 आ गया, ठीक है। अब कितना आ गया, 5 to 7, ये कितना आ गया, 3 to 5 और 5 और 6, ठीक है। अब नेक्स्ट ए डैश, हमें ए डैश चाहिए, यानी कि 1, -4, -2, 2, 3, 5, इसका आप क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1, -4, -2, 2, 3 और 5, और बी डैश
बी की वैल्यू कितनी है? 2 3 4 5 2 1, इसका ट्रांसपोज तुम्हारे पास क्या आएगा बताओ आप, कितना आएगा? 2 3 4 5 2 1, ये आएगा। अब हमें चाहिए क्या? ए प्लस बी डैश इक्वल ए डैश बी डैश है हमारे पास। अब हम ए प्लस बी की वैल्यू रखेंगे तो कितनी आएगी? 3 माइनस 1 2 7 5 6, और इसका क्या करेंगे? डैश करेंगे, यानी कि ट्रांसपोज। ठीक है, ए डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 माइनस 2 3 4 माइनस 4 2 5, प्लस बी डैश की वैल्यू कितनी है? 2 4 2 3 5 एंड 1। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब क्या आ गया? इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो फर्स्ट रो कॉलम बन जाएगी, ठीक है, 2 7 5 6। नाउ क्या है इक्वल? ये आ गया 1 और 2, कितना? 3, और -2 माइनस प्लस की 2 3 और 2 5, -4 प्लस 3 -1 7, और कितना आ गया? 5 और 1 6। देखो क्या इक्वल है दोनों वैल्यूज, दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो ये यानी कि ये प्रूफ हो गया। अब हम आगे बढ़े। नाउ क्या है हमारे पास? इजी लग रही होगी आपको मैट्रिसेस, क्योंकि ये मैट्रिसेस का जो मैं पार्ट करा रही हूँ वो आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैट्रिसेस का ये पार्ट आपके पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको इजी लग रहा है। और हमेशा कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले उसको वो पार्ट हमें पढ़ना चाहिए जो हमें आता है, ठीक है। जब आप पेपर की तैयारी भी करो तो वो यूनिट्स आप पहले पढ़ना, जब भी कभी आप पढ़ोगे या वो पार्ट आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की आप जब प्रिपरेशन करें तो वो पार्ट पहले पढ़ो जो आपको ईजी लगता हो और जो आपका मतलब माइंड में सेट हो, तो उससे आप करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज अपने आप हो जाएगा कि हाँ मुझे इतना तो आता ही है। और उसके बाद जो हार्ड है, फिर हार्ड में भी थोड़ा हार्ड, फिर लेवल बढ़ाते जाएं। इस तरीके से आप अगर पढ़ेंगे तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा आपके एग्ज़ाम में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखें, पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहली हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन बी ए मैट्रिक्स, बी स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसी होनी चाहिए? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज ए डैश, क्या होगा? ए जे आई और एन क्रॉस एम होगा, वो वापस क्या हो जाए? ए हो जाए, यानी वापस क्या आ जाए? ए
ठीक है, प्लस के ए हो जाए, यानी कि वापस ए हो जाए, दैट मीन्स ए डैश यानी कि ए जे आई एन क्रॉस एम वो क्या हो जाए, अगर हम अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें वो वापस ए बन जाए तो उसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वापस क्या हो जाए, ए आई जे हो जाए एम क्रॉस एन, यानी कि दैट इम्प्लाइज ए डैश इक्वल ए प्लस के, प्लस का साइन याद रखना यहाँ पर प्लस है, देन दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी, देन दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। अब इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लूँ मैं, वन टू थ्री टू थ्री वन टू, ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि ए डैश क्या आएगा, वन टू थ्री और टू थ्री वन टू, अगेन वापस क्या आ गया, ए आ गया, तो ये मैट्रिक कैसी कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अब हम बात करें आगे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, क्या है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट ए इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन बी ए मैट्रिक्स, ठीक है, देन इट्स ट्रांसपोज ए डैश इक्वल माइनस ए, दैट इम्प्लाइज ए आई जे एम क्रॉस एन लें तो वो माइनस हो जाए, और उसका ट्रांसपोज क्या हो जाए, यानी कि ए आई जे एम क्रॉस एन का ट्रांसपोज माइनस के। देखिए इसका ट्रांसपोज क्या होगा, यहाँ देखना क्या होगा, ए जे आई एन क्रॉस एम होता है, यही होगा ट्रांसपोज, तो वो किसके इक्वल हो जाए, माइनस के ए आई जे एम क्रॉस एन, यानी कि साइन किसका आ जाए, माइनस का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में साइन किसका आ रहा था, प्लस का, इसमें किसका है, माइनस का। देन दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या कहलाती है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। इसका एक एग्जांपल देखें, ये है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो इसका ट्रांसपोज निकालो, इसको मैं ए लिख दूं, ए लिख देती हूँ, ए का ट्रांसपोज यानी कि कितना आएगा आप, जीरो थ्री वन, फिर माइनस थ्री जीरो फाइव और माइनस वन माइनस फाइव जीरो। अब आप इसमें से माइनस कॉमन निकालिए, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये जीरो, माइनस कॉमन निकालेंगे प्लस का थ्री प्लस का वन, ये माइनस का हो जाएगा माइनस के थ्री,
जीरो प्लस का फाइव और कितने हो जाएंगे माइनस वन, माइनस फाइव जीरो। बताइए ये क्या आ गया, माइनस का साइन बाहर है तो माइनस के ए लिख दूं मैं इसको, माइनस के क्या आ गया ए आ गया। ए का ट्रांसपोज निकाला वो किसके इक्वल हो जाए, माइनस ए इक्वल आ जाए, यानी ए डैश इक्वल माइनस ए हो तो उसको इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहेंगे, ए डैश इक्वल ए, और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहेंगे, ए डैश इक्वल माइनस ए। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कॉन्सेप्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।